ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 20 मई 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे याद हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश में की गई है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? सियोल है, और मुद्रा वान है। वान कहा जाता है, गलती से वन लिखा गया। प्रधानमंत्री कौन है? किम बू क्योंग। और राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यह दो देश जो है इसकी सीमा का नाम जो है अड़तीसवीं जो समानांतर रेखा है, अक्षांश रेखा, उसके द्वारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग किया जाता है। वहाँ सांसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। ठीक है, तो साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया के सांसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और यह नाम पाकिस्तान और फ्रांस में भी दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, SS मुंद्रा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? SS मुंद्रा के पहले कौन थे? विक्रमजीत सेन थे। और अब समझ लेते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को। और इसके MD और CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान हैं। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, गुजरात हो जाएगा। विश्व बैंक के बारे में समझ लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? Washington DC, जो कि USA में है। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। तो इतना आपको याद रखना है। अब आता है गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी, बम्बई राज्य से अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र, चूँकि इसमें गुजराती भाषा है। ठीक है, गुजराती भाषा के लिए गुजरात और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र की स्थापना की गई। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और राष्ट्रलीला, याद रखिएगा। ठीक है, डांडिया भी एक प्रकार का प्रमुख नृत्य भी है और त्यौहार भी है जो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। यहाँ विधानसभा की 182 सीटें हैं और लोकसभा की 26 तथा राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कर रहे, 24वें ग्रीष्मकालीन वधिर ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यूक्रेन। ए ऑप्शन सही है, यूक्रेन यूरोप में आता है। अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इसे याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता में जो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें टोटल 138 पदक जीता है, जिसमें 62 स्वर्ण है, 38 रजत है और 38 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 17 पदक के साथ रहा है, 17 पदक जीता है। ठीक है, जिसमें 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 8 कांस्य है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत को कितना पदक मिला है? 17 पदक मिला है। और किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ठीक है, 9वें स्थान पर यह आया है भारत, और प्रथम स्थान पर यूक्रेन आया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी,
18 मई को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की जो थीम है वह क्या है? संग्रहालय शक्ति। अब मई महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसे याद रखते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विदेश से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान प्राप्त करने वाले देश में कौन प्रथम रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, भारत। भारत रहा है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा जीता है। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और इसका जो भाषा है उड़िया है। इसमें जिलों की संख्या कितना है? 30 है। उच्च न्यायालय कहाँ है उड़ीसा का? कटक में है। ठीक है, राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर जिला में बालासोर है जहाँ से प्रक्षेपात परीक्षण केंद्र है। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। पुरी जो दर्शनीय स्थान है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है जो महाशिवरात्रि गुप्त एहतियाति द्वितीय ने कराया था। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? कटक में, जो कि उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, यह भी उड़ीसा में है। पर्यटन स्थल में आते हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, नंदन कानन चिड़ियाघर, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, हीराकुंड बांध। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्च एंड टूब्रो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एस एन सुब्रमण्यम। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके पहले कौन थे? एस एन सुब्रमण्यम के पहले कौन थे? एम ए नाइक थे, इसे भी याद रखिएगा। लार्ज एंड टूब्रो की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1946 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, यह अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 मार्च 2020। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर राजस्थान राज आया है, इसके बारे में जानते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है, ये सब पूछ देता है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान राज्य की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को की गई थी। और यह राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। जयपुर जो राजधानी है उसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय माना जाता है। ठीक है, और राजस्थान में ही थार मरुस्थल स्थित है। पोखरण जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था वह भी राजस्थान में स्थित है। और यहाँ दर्शनीय स्थान या कहिए कि प्रमुख स्थल में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सास बहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, आमेर का किला, नागरगढ़ का किला, भटनेर का किला, ढाई दिन का झोपड़ी, ठीक है, हवा महल, जल महल, ब्रह्म मंदिर,
जो कि पुष्कर में है, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, केवला देव, सरिस्का, सीता माता जो चित्तौड़ में है, रणथंभौर, जयसमंद, इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जल वायु प्रवाह की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? बी मुरलीधरन, इसे भी याद रखिएगा। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, थैंक यू।